चिकन सैंडविच बनाती हूँ आज। बच्चे बड़े सबका ये फेवरेट है। आप अपने हिसाब से बटर या चीज जो भी यहाँ इस्तेमाल होगा कम ज्यादा कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल फानवीज कुकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राउन ब्रेड लिया मैंने, यहाँ 4 पीस ब्राउन ब्रेड लिया, हैंग कर्ड लिया, बटर है थोड़ा सा, कैप्सिकम, प्याज और यहाँ चिकन है। चिकन को मैंने बॉयल करके रखा, जो हैंग कर्ड का पानी था उसी पानी में मैंने चिकन को बॉईल किया था, उसके बाद इसे श्रेड कर लिया। तो पहले ब्रेड का जो साइड है इसे काट लेती हूँ। चिकन का स्टफिंग बनाना है, पैन गरम होने के लिए रख दिया। थोड़ा सा तेल डालती हूँ, कैप्सिकम को डाल देती हूँ। फ्राई नहीं करना है, ओवर कुक भी नहीं करनी है, बस थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। प्याज को भी डाल दिया और 1-2 मिनट के लिए इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे पका लेती हूँ। लिड खोल देती हूँ, 1-2 मिनट हो गया, थोड़ा सा चला देती हूँ। श्रेडेड चिकन को डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ। मैंने यहाँ ब्लैक सॉल्ट डाला, चिकन मसाला, ये मेरा होममेड चिकन मसाला है। अब मिक्स कर लेती हूँ। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने कोई नमक नहीं डाला था। बस ये हो गया है, गैस बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखती हूँ, ठंडा भी हो जाएगा। अब दही को रेडी कर लेती हूँ। थोड़ा सा फेंट लेती हूँ दही को पहले, थोड़ी सी नमक डालती हूँ, थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस डालती हूँ और थोड़ा सा टोमेटो केचप डालती हूँ। मिक्स कर लेती हूँ। स्टफिंग में और दही में नमक डालते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा नमक का, क्योंकि ब्रेड इटसेल्फ नमकीन होती है। दोनों सॉस डाला हुआ है, उसमें भी नमक है, बटर भी डालना है बाद में, तो उसमें भी नमक होगा। अब इसमें जो स्टफिंग मैंने बना के रखा था उसको डाल देती हूँ और दही के साथ इसे मिक्स कर लेती हूँ। पूरा स्टफिंग मैं नहीं डालूंगी क्योंकि एक्स्ट्रा है, ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में स्टोर कर लूंगी, नेक्स्ट दिन बनाऊंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब ब्रेड में अच्छी तरह से दही और चिकन का जो स्प्रेड बनाया उसे लगा देती हूँ। अच्छी तरह से थोड़ा सा थिक करके लगाना है और एक स्लाइस ब्रेड ऊपर में डाल देती हूँ। ब्रेड का एक साइड में बटर लगा देती हूँ। दूसरा ब्रेड को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। फिर से मैं तवा गरम करने के लिए रख दिया। जिस साइड बटर लगाया था उस साइड नीचे करके ब्रेड को डाल देती हूँ। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देती हूँ और ऊपर वाला साइड में भी थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ, स्प्रेड कर देती हूँ। बटर के जगह आप तेल भी लगा सकते हो या प्लेन भी इसे यूज कर सकते हो। एक साइड हो गया, टर्न कर देती हूँ। मेरा दोनों ब्रेड सेक के रेडी है। बीच में से ट्रायंगुलर शेप में काट लेती हूँ। आप चाहो तो इसको 4 टुकड़ा में छोटे छोटे साइज में भी काट सकते हो। ये भी आप बच्चों के स्कूल के टिफिन में दे सकते हो, अगर स्कूल में नॉनवेज ले जाना अलाउड है तो। तो बन गया मेरा चिकन ब्रेड सैंडविच। चिकन ब्रेड सैंडविच मेरा बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आपको कैसे लगी ये मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड मेरे वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ बने रहिए। होममेड इस तरह का रेसिपी मैं अपलोड करूंगी जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी होती है। तो आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।